हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम इन दी ऑनलाइन क्लास ऑफ सब्जेक्ट बेसिक केमिस्ट्री प्रैक्टिकल. आई एम प्रोफेसर स्वाति इंगळे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट्स जो रिलेटेड है हमारे सब्जेक्ट बेसिक केमिस्ट्री से. आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 8, जिसका नाम है टू सेटअप अ डैनियल सेल. तो एक्सपेरिमेंट का जो एम है, नाम है, वो है सेटअप अ डैनियल सेल. रिलेवेंट कोर्स आउटकम, ये प्रैक्टिकल हमारे जो यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड करोजन, उससे रिलेटेड है. तो इसका कोर्स आउटकम है यूज़ करोजन प्रिवेंटिव मेजर्स इन इंडस्ट्रीज. प्रैक्टिकल लर्निंग आउटकम, ये प्रैक्टिकल समझने के बाद आप क्या कर सकते हैं. तो डिटरमाइन द वोल्टेज जनरेटेड फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस यूजिंग डैनियल सेल. डैनियल सेल में जो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उनके आधार पर क्या वोल्टेज सेल में डेवलप होता है, वो आप नोट डाउन कर पाएंगे. तो बच्चों, एक्सपेरिमेंट का प्रोसीजर देखने से पहले हम इसका मिनिमम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं. तो थ्योरी में हमने सेल टॉपिक पढ़ा है. सेल मतलब क्या? तो ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में या फिर केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो सकता है, उसे कहा जाता है सेल. ये सेल दो तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. जब हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में होता है. लेकिन जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, तो यहाँ तो ऐसे टाइप के सेल में हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं करते. यहाँ पे क्या होता है कि हमारे सॉल्यूशन में, हमारे सेल में ऐसे कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनकी वजह से केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसके डेफिनेशन है, द सेल इन विच केमिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कॉल्ड एज अ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एग्जाम्पल है डैनियल सेल, जो आज हमारा प्रैक्टिकल है. तो डैनियल सेल को अगर हम देखते हैं, तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा. यहाँ पे ये एक कॉपर का कंटेनर है, जिसमें हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना होता है, और ये पोरस पॉट में हम लेंगे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें हम जिंक का रॉड जो है वो डीप करेंगे, और इन दोनों टर्मिनल को हम वोल्ट मीटर के साथ जोड़ते हैं. तो ये तो इसका अपियरेंस वाला डायग्राम हो गया, या वे कैसे दिखेगा ये सेल, वो हमने समझा. अब हम थोड़ा इसका सिस्टमेटिक डायग्राम जो है वो समझते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा सोल्यूशन लेना है, उसमें कौन सा मेटल का रॉड जो है वो हमको डीप करना है. तो यहाँ पे हमने दो कंटेनर लिए हैं, ये फर्स्ट कंटेनर और ये आ गया है सेकेंड कंटेनर. ठीक है, एक कंटेनर में आपको लेना है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दैट इज़ ZnSO4 सॉल्यूशन, और आपको याद रखना है कि इसमें आपको जिंक का रॉड जो है वो डीप करना है. दूसरे कंटेनर में आपको लेना है CuSO4 सॉल्यूशन, जिसमें आपको Cu का रॉड जो है वो डीप करना है. तो यहाँ पे हमारे पास दो सॉल्यूशन है और दो मेटल के रॉड हैं. याद रखने वाली चीज़ है कि जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक का रॉड होना चाहिए और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर का रॉड होना चाहिए. फिर दोनों को हमको किसके साथ जोड़ना है? वोल्ट मीटर के साथ. अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है. सर्किट कब कंप्लीट होगा? जब हम इन दोनों सॉल्यूशन को किसके माध्यम से जोड़ेंगे? सॉल्ट ब्रिज के माध्यम से हम जोड़ेंगे. तो ये दोनों सॉल्यूशन इनडायरेक्टली एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे. अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिंक जो है वो एनोड है और कॉपर जो है वो कैथोड है. तो ये कैसे हुआ? तो उसके लिए भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता है. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसका पोजीशन ऊपर होता है वो एनोड बनता है, जिसका पोजीशन नीचे होता है वो कैथोड बनता है. तो देखिए, जिंक है और दूसरा मेटल कौन सा है? कॉपर. तो जिंक का पोजीशन ऊपर होने की वजह से जिंक एनोड बनेगा और उसके ऊपर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, और कॉपर की पोजीशन नीचे होने की वजह से कॉपर कैथोड बनेगा और उसके ऊपर रिडक्शन की रिएक्शन जो है वो होगी. इसीलिए जिंक जो है वो बना है एनोड, और ये जो कॉपर है ये बन गया है कैथोड. और ये जो कंप्लीट सेटअप है, इस कंप्लीट सेटअप को कहा जाता है डैनियल सेल. ओके, देन ये जो कुछ भी डैनियल सेल है, यहाँ पे इस तरह से रिएक्शंस होते हैं. हमने अभी अभी बात की कि जिंक के ऊपर ऑक्सीडेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जिंक जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा. जो कॉपर है वो एनोड बनेगा, कैथोड बनेगा, उसके ऊपर रिडक्शन का रिएक्शन होगा, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो Cu2++2 इलेक्ट्रॉन वो बन जाएगा Cu. और जब हम इसके ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे, तो वो कुछ इस तरह से होगी कि जिंक प्लस Cu++, दो इलेक्ट्रॉन एरो के दोनों तरफ कॉमन है तो वो कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पे बनेगा जिंक 2+ एंड Cu. तो ये हो गई है ओवरऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन डैनियल सेल.
ऑकरिंग इन दी डैनियल सेल। तो ये इसका मिनिमम थियोरेटिकल बैकग्राउंड जो है वो हमने समझा है। अब हम देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट का परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से पहले हम इस एक्सपेरिमेंट के जो एपरेटस है उसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। इसके पहले हमने जो एक्सपेरिमेंट नंबर 6 और 7 परफॉर्म किया है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर एंड टू डिटरमाइन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन, वो एक्सपेरिमेंट अगर आपको अच्छे से समझ में आया है बिल्कुल उसी के जैसा हमारा एक्सपेरिमेंट है टू अंडरस्टैंड दी वोल्टेज डेवलप इन दी डैनियल सेल। तो जब मैंने आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 6 और 7 बताया था तब मैंने आपको डैनियल सेल का रेफरेंस बताया था, साथ में ही हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में डैनियल सेल के बारे में भी पढ़ा है। ठीक है, तो डैनियल सेल हम किसे कहते हैं? डैनियल सेल एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें हम दो कंटेनर लेते हैं। एक कंटेनर में होता है जिंक सल्फेट सोल्यूशन जिसमें हम डीप करेंगे जिंक का रॉड, दूसरे कंटेनर में रहेगा CuSO4 सोल्यूशन जिसमें हम डीप करेंगे कॉपर का रॉड। जिंक सल्फेट में जिंक का रॉड और कॉपर सल्फेट में कॉपर का रॉड। फिर दोनों सोल्यूशन को हमको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाना है, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो उसके लिए हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ कर सकते हैं या फिर हम पोरस पॉट यूज़ करके दोनों सोल्यूशन को एक दूसरे के इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ला सकते हैं। देन जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है हमें इसको जोड़ना है वोल्ट मीटर के साथ ताकि हमें पता चल सके कि इस सेल में कितना वोल्टेज जो है वो डेवलप हो गया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होती है और केमिकल रिएक्शन की वजह से केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और हमने सेल का डेफिनेशन पढ़ा है कि सेल किसे कहते हैं जिसमें केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन केमिकल एनर्जी में हो सकता है। तो डैनियल सेल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ पे हम किसी भी एक्सटर्नल सर्किट से बैटरी के साथ उसको जोड़ने वाले नहीं हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन में कुछ तो भी केमिकल रिएक्शंस होंगी और उन रिएक्शंस की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होंगी, वोल्टेज जनरेट होगा जो हमें वोल्ट मीटर में दिखाई देगा। तो ऐसे टाइप के सेल को कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जब मैं आपको इसका सेटअप बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि हमने इसमें किसी भी तरह का वायर लेके किसी इलेक्ट्रिक स्विच के साथ हमने इसको जोड़ा नहीं है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। और फिर से मैं एपरेटस का इंट्रोडक्शन आप लोगों को करवा देती हूँ। यहाँ पे हमें जो है दो कंटेनर लेना है, तो इस तरह से बीकर हम लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम बीकर जो है वो लेते हैं, लेकिन और थोड़ा सा स्पेसिफाई करने के लिए हमारे पास ये इस तरह से एक ग्लास जार है। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन जो है वो हम इस ग्लास जार में लेंगे और एक सॉल्यूशन जो है वो हम किस में लेंगे, पोरस पॉट में। एक सॉल्यूशन हम किस में लेंगे, पोरस पॉट में। ठीक है, मतलब ये हमारा ग्लास जार रहेगा जिसमें हमारा एक सॉल्यूशन रहेगा, उसमें हम हमारा ये पोरस पॉट रखेंगे और इस पोरस पॉट के अंदर जो है वो दूसरा सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, देन अब मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम दो सॉल्यूशंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ हमें डैनियल सेल का सेटअप नहीं समझना है, तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे वोल्टेज अलग अलग होगा वो भी हम पढ़ने वाले हैं। मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन पे कितना वोल्टेज डेवलप होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन पे कितना वोल्टेज डेवलप होता है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे जो है हमारे पास टोटल कितने सोल्यूशन है, 4 सोल्यूशन। टोटल कितने सोल्यूशन है, 4 सोल्यूशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर के सोल्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ब्लू कलर के सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट के हमने दो सॉल्यूशन जो है वो बनाए हैं। एक जो हमारा सॉल्यूशन है इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर, मतलब ये ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और एक ये जो कुछ भी है इसका कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर, 0.1, मतलब ये लो कॉन्सेंट्रेशन है। एक हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया है और एक लो कॉन्सेंट्रेशन वाला कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है। सेम वैसे ही जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भी हमारे पास दो है। ये जो कुछ भी है ये हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला है, इसका कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलर। ठीक है, और ये जो कुछ भी है ये लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन है, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 0.1 मोलर। तो हम इसके 4 सेट जो है वो लगाने वाले हैं, हम इसके 4 सेट लगाने वाले हैं। ठीक है, 1 मोलर के साथ 0.1 मोलर, उसके बाद 1 मोलर के साथ 1 मोलर, उसके बाद 0.1 मोलर CuSO4 के साथ 0.1 मोलर ZnSO4 और 0.1 मोलर CuSO4 प्लस 0.1 मोलर ZnSO4। तो जब हम इसका ऑब्जर्वेशन लेंगे ना तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितने सोल्यूशन से, 4 सोल्यूशन, जिसमें से 2 है CuSO4 के सोल्यूशन और 2 है ZnSO4 के सोल्यूशन। एक हाई कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 मोलर और एक लो कॉन्सेंट्रेशन मतलब 0.1 मोलर।
ठीक है, देन जो वोल्टेज डेवलप होने वाला है वो वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या है, वोल्ट मीटर। और मैंने आपको बताया था इसमें एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है, तो ब्लैक वाला जो है वो एनोड होता है और रेड वाला जो है वो कैथोड होता है। और हमारा रीडिंग ज़्यादा एक्यूरेट आने के लिए हमारे पास जो है वो अवेलेबल है ये डिजिटल वोल्ट मीटर। ये डिजिटल वोल्ट मीटर में ये दो टर्मिनल हैं, ठीक है, एक रेड कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। तो ये जो कुछ भी रेड कलर का टर्मिनल है वो हम हमारे वोल्ट मीटर के वो जो है वो हमारे वोल्ट मीटर से हम रेड के साथ जोड़ते हैं, और ये जो ब्लैक वाला है ये हम हमारे वोल्ट मीटर के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, ब्लैक के साथ जोड़ते हैं। और उसके बाद फिर हम जो है ये हमारे वोल्ट मीटर में जो है वो हमको रीडिंग दिखाई देने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने जब आपको बताया कि यहाँ पे हम दो मेटल्स जो है वो लेने वाले हैं, तो एक मेटल जो है वो हमारा है कॉपर मेटल और एक मेटल है हमारा जिंक मेटल, तो उसके हमको जो है वो प्लेट्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से कॉपर मेटल और जिंक मेटल के जो है वो प्लेट लेने वाले हैं, ठीक है। तो एक मेटल है कॉपर और दूसरा मेटल है जिंक, तो कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा ये कौन डिटरमाइन करेगा, इट विल बी डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक का पोजीशन ऊपर होने की वजह से जिंक एनोड बनेगा, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, और कॉपर का पोजीशन नीचे होने की वजह से ये जो है ये कैथोड बनेगा और इसके ऊपर रिडक्शन होगा। आई होप कि इतना समझाने के बाद ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। तो जो कि जिंक जो है वो एनोड बनेगा, इसको हम वोल्ट मीटर के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, ब्लैक। ये आप देख सकते हैं कि हम वोल्ट मीटर के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, ब्लैक, क्योंकि जिंक क्या बनने वाला है, एनोड बनने वाला है। और ये जो कुछ भी कॉपर है ये कैथोड बनने वाला है, तो इसको हम वोल्ट मीटर के कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ेंगे, निगेटिव के साथ। तो आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट के एपरेटस जो है वो समझ में आ गए हैं। तो अब जो है वो हम इसका एक्सपेरिमेंटल पार्ट देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हमको चार हिस्सों में जो है वो करना है। हमने यहाँ पे सॉल्यूशंस की जो है वो जोड़ियाँ बनाई हुई हैं कि CuSO4 सॉल्यूशन दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा सॉल्यूशन है, ZnSO4 सॉल्यूशन। अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमने चार सॉल्यूशन बनाए हैं, दो ZnSO4 के सॉल्यूशन और दो CuSO4 के सॉल्यूशन। तो पहली बार जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो CuSO4 का कितना सॉल्यूशन लेना है हमको, 1 मोलर, मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, और ZnSO4 का भी हम कौन सा सॉल्यूशन लेंगे, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, और देखेंगे कि सेल में कितना वोल्टेज जो है वो डेवलप होता है। फिर हम क्या करेंगे, CuSO4 का सॉल्यूशन वही रहने देंगे, कौन सा सॉल्यूशन चेंज करेंगे हम, ZnSO4 वाला, हाई कॉन्सेंट्रेशन को हम लो कॉन्सेंट्रेशन करेंगे, और फिर देखेंगे कि वोल्टेज कितना डेवलप होता है। देन फिर हम क्या करेंगे, CuSO4 का सोल्यूशन जो है वो चेंज करेंगे और ZnSO4 सोल्यूशन रखेंगे हम 1 मोलर, और उसका रीडिंग हम लेंगे, और आखिरी में हम दोनों लो कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन जो है वो सेटअप करेंगे और फिर हम उसका रीडिंग जो है वो लेंगे। कि तो आई होप कि आप लोगों को हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं वो समझ में आया है, ठीक है। इस तरह से हमको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और ZnSO4 सोल्यूशन की जोड़ियाँ बनानी है और हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म करना है। इसके आधार पर फिर हम रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन जो है वो लिखने वाले हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं हमारे एक्सपेरिमेंटल पार्ट की तरफ। हाँ, तो स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले हमारा पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ले लेते हैं, क्योंकि सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमें लेना है टेम्परेचर। हमें टेम्परेचर मेजर करना है कि ये एक्सपेरिमेंट हम कौन से टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो ये हमारे पास थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर पे जब हम आज का टेम्परेचर देखते हैं तो ये केमिस्ट्री लेबॉरेटरी में आज का जो टेम्परेचर दिखाई दे रहा है ये करीब 26 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आज का हम ये जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं ये एक्सपेरिमेंट हम 26 डिग्री सेल्सियस पर करने वाले हैं। तो उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं कि आज का एक्सपेरिमेंट जो है वो हम 26 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर करने वाले हैं। देन ऑब्जर्वेशन टेबल देखिए, अच्छे से केयरफुली देखिए। सबसे पहले हमने लिया है CuSO4 सॉल्यूशन और फिर हमको लेना है ZnSO4 सॉल्यूशन। तो हम फिक्स कर लेते हैं कि हमारे जो बाहर वाला कंटेनर रहेगा उसमें हम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन डालेंगे, और जो अंदर वाला कंटेनर रहेगा मतलब पोरस स्पॉट जो रहेगा उसमें हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है डालेंगे। देन पहली जोड़ी हमको लगानी है हाई कॉन्सेंट्रेशन वालों की, मतलब ZnSO4 सॉल्यूशन भी रहेगा 1 मोलर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन भी रहेगा 1 मोलर। तो अब हम ऐसा सेटअप जो है वो लगाते हैं। तो ये हमारे पास है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है 1 मोलर। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। मैंने आपको बताया था कि ये सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये हम किस में लेने वाले हैं, पोरस स्पॉट में लेने वाले हैं। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैंने पोरस स्पॉट में डाल दिया।
ठीक है। और उसके बाद ZnSO4 सॉल्यूशन भी हमें लेना है 1 मोलर। तो ये जो है ये 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन जो है वो है 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन। तो मैंने आपको बोला था कि हम ये वाला जो पॉट है, ये जो बड़े साइज़ का पॉट है, ये भी हम जो है हमारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं ये 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये इसमें 1 मोलर सॉल्यूशन जो है वो हमारा भर दिया है। इसको साइड में रख देते हैं। अब हमारे पास एक कंटेनर में है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन और एक कंटेनर में है CuSO4 सॉल्यूशन। अब जैसा कि आप लोगों को पता है हमें क्या करना है कि ये जो कुछ भी हमारा ZnSO4 सॉल्यूशन है और ये CuSO4 सॉल्यूशन को हमको एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाना है। तो एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाने के लिए हमने क्या किया, हमने इस ये पूरा स्पॉट को इस जार में जो है वो रख दिया है। ठीक है, दूसरी चीज़, कॉपर की जो कुछ भी प्लेट है वो हमको कौन से सॉल्यूशन में डालना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। कॉपर की प्लेट हम कौन से सॉल्यूशन में डालेंगे, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने ये पोरस पॉट में लिया हुआ है, तो इसमें हमने कॉपर की प्लेट डाल दी। ठीक है, इसमें हमने कॉपर की प्लेट डाल दी। और ये जो है ये हमारी जिंक की प्लेट है, तो ये जिंक की प्लेट हमको कौन से सॉल्यूशन में डालना है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। तो ये हमने डाल दिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। देखिए जैसे ही मैंने ये प्लेट इसमें डाल दी, इसमें रीडिंग बढ़ने लग गए। ठीक है, इसमें रीडिंग जो है वो बढ़ने लग गए। हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन लिया है, CuSO4 सॉल्यूशन भी हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन भी हाई। हाँ, तो ये दोनों सॉल्यूशन जो है ये बहुत ही ज़्यादा हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है। मतलब 1 मोलर हमने ZnSO4 सॉल्यूशन लिया है और 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन लिया है। CuSO4 में Cu करॉड और ZnSO4 सॉल्यूशन में जिंक करॉड। तो अभी यहाँ पर हमको एक स्टेबल रीडिंग जो है वो मिल गया है। हमारा रीडिंग है 1.046 हमको रीडिंग मिल गया है। तो वो हम लिख लेते हैं 1.046। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पहला कॉम्बिनेशन का रीडिंग हमको मिल गया है 1.046 वोल्ट। जब हमने ZnSO4 सॉल्यूशन भी लिया 1 मोलर और CuSO4 सॉल्यूशन भी लिया 1 मोलर। अब ये ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देखेंगे कि हमें दूसरी जोड़ी किसकी बनानी है। दूसरी जोड़ी में हमको CuSO4 सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर ही रखना है, CuSO4 सॉल्यूशन हमको 1 मोलर ही रखना है और ZnSO4 सॉल्यूशन जो है वो हमको 0.1 मोलर करना है। मतलब जो पोरस स्पॉट में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया है उसको हमको चेंज नहीं करना है, वो 1 मोलर ही रहेगा। और जो ZnSO4 सॉल्यूशन है उसको हमको हाई कॉन्सेंट्रेशन को क्या करना है, लो कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो चलो फिर देखते हैं, ये हम कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ ये पूरा स्पॉट को हमको बाहर निकालना है और इसको यहाँ पे रख देंगे हम। हमारी जिंक की प्लेट को हम बाहर निकालेंगे और ये 1 मोलर सॉल्यूशन को हम ये 1 मोलर के बीकर में पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। और उसके बाद हम इसमें कौन सा सॉल्यूशन डाल देते हैं, हम इसमें 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन जो है वो कम कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, ये जो कुछ भी जिंक की प्लेट है ये फिर से हमने इसमें डाल दी। अभी भी सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ है जब तक हम ये पोरस स्पॉट इसमें नहीं रखते हैं। तो ये अब हमने इसमें रख दिया है पोरस स्पॉट, इसमें हमने रख दिया है ये पोरस स्पॉट। और हम थोड़ा सा वेट करते हैं, एक स्टेबल रीडिंग जो है वो हमको यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे वेट करेंगे। जब हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो हमको यहाँ पे रीडिंग मिल रहा है। ये सॉल्यूशन में जो कुछ भी है आयनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जिंक आयन बन रहे हैं, कॉपर के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के कॉपर आयन बन रहे हैं, जिसकी वजह से ये फ्लक्चुएशन जो है वो हमको दिखता है। और मोर और लेस हमारा एक स्टेडी रीडिंग हमको मिल गया है। अभी हमारा रीडिंग आया है 1.032 रीडिंग जो है वो हमारा आया हुआ है। तो वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं 1.032 रीडिंग जो है वो हमारा मिल गया है। तो ये हमारे दूसरे कॉम्बिनेशन का रीडिंग, हमारा दूसरे कॉम्बिनेशन का मतलब 1 मोलर CuSO4 सॉल्यूशन के लिए, 1 मोलर ZnSO4 सॉल्यूशन के लिए हमारा रीडिंग जो आ गया है 1.032 मोलर आया है। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन वही था, हमने एनोड का जो सॉल्यूशन है, जिंक क्या है एनोड, तो एनोड के सॉल्यूशन में जैसे ही हमने चेंज किया, हमारा जो कुछ भी वोल्टेज है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब तीसरी जोड़ी क्या बनानी है हमें, तीसरी जोड़ी में अब हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो है उसको 0.1 मोलर मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन लेना है। मतलब हमें अभी ये जो पोरस स्पॉट है उसमें के सॉल्यूशन को चेंज करना है और ये ZnSO4 सॉल्यूशन जो है उसको भी हमको चेंज करना है। हाई कॉन्सेंट्रेशन को हम लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो करेंगे। तो
पोरस पॉट का जो सोल्यूशन है उसे भी हमको चेंज करना है, तो ये हमने कॉपर की प्लेट बाहर निकाल दी और वन मोलर सोल्यूशन को हमने वन मोलर के इसमें डाल दिया और इसमें हमने ये डायलूट वाला जो सोल्यूशन है 0.1 मोलर वाला जो सोल्यूशन है ये 0.1 मोलर वाला सोल्यूशन हम इसमें डाल देते हैं, ठीक है। और इसमें हमने डाल दिया 0.1 मोलर वाला सोल्यूशन जो है वो हमने डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप 0.1 मोलर वाला सोल्यूशन जो है वो हमने यहाँ पे लिया है कॉपर सल्फेट का। और साथ में अब हमको ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे पहले 1 मोलर का 0.1 मोलर का ZnSO4 सोल्यूशन लिया था, तो वो 0.1 मोलर का ZnSO4 सोल्यूशन हम चेंज कर देंगे और वहाँ पे हमको हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला जो सोल्यूशन है 1 मोलर वाला ZnSO4 सोल्यूशन वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो अब देखो हमारी जोड़ी कैसी बनी है, 0.1 मोलर CuSO4 और 1 मोलर ZnSO4। तो इसमें हम CU का रॉड डिश कर देंगे। ध्यानपूर्वक थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है कुछ भी, मतलब अगर आप ऑब्जर्वेशन टेबल देख करके करेंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो फिर से हमारा सेटअप जो है वो लग गया है, फिर से हमारा रीडिंग जो है वो चेंज हो रहा है, रीडिंग जो है वो हमारा चेंज हो रहा है। इस बार हमारा जो जिंक सल्फेट के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर है और CuSO4 पे जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0.1 मोलर है, मतलब एनोड के करीब हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रीडिंग बढ़ेगा या घटेगा। ये देखिए हमें रीडिंग जो है वो मिल रहा है और ये रीडिंग हमारा कंटिन्यूसली जो है ये बढ़ रहा है, कंटिन्यूसली हमारा रीडिंग जो है वो बढ़ रहा है। अभी ये आया है 1.041 पे जाके रुका है, ये 1.042 हो चुका है ये, ठीक है। तो हम इसको एक फिक्स पॉइंट करके 1.042 जो है वो हमारे रीडिंग फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रीडिंग आया है 1.042, देखिए 1.042 हमने रीडिंग जो है वो हमारा फाइनल कर लिया है। आप ज़रा सा ट्रेंड देखेंगे, ट्रेंड कैसे हो रहा है। जैसे CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था और ZnSO4 का भी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, तो हमारा रीडिंग हमें मिला था 0.046। फिर हमने CuSO4 का कॉन्सेंट्रेशन वैसे ही रखा और हमने ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज किया, तो हमारा रीडिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। अब ये ZnSO4 सोल्यूशन हमने एनोड के पास रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही हमने एनोड के पास के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम किया, हमारा वोल्टेज क्या हुआ, कम हुआ। फिर हमने एनोड के पास के सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया, 0.1 मोलर को हमने क्या कर दिया, 1 मोलर कर दिया। तो जैसे ही हमने एनोड के पास वाले सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया, वैसे ही हमारा ये जो कुछ भी वोल्टेज है वो भी क्या हो गया, बढ़ गया। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम हमारा लास्ट वाला रीडिंग जो है वो ले लेते हैं। हमारे लास्ट वाले रीडिंग में हमें कौन सी जोड़ी बनानी है, ध्यान से समझेंगे। हमें CuSO4 सोल्यूशन जो है वो लेना है 0.1 मोलर और ZnSO4 सोल्यूशन भी हमें लेना है 0.1 मोलर, मतलब इस बार दोनों जो है उनका कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन है। अब ऑलरेडी हमारे जो पोरस पॉट है उसमें 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, तो उसे हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें बाहर के जार में जो अभी 1 मोलर ZN सल्फेट का सोल्यूशन है जिंक सल्फेट का, उसे चेंज करके हमें सिर्फ क्या बनाना है, 0.1 मोलर, और हमें हमारा रीडिंग जो है वो लेना है, ठीक है। जब आप ये मतलब ऑब्जर्वेशन टेबल देख के आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज़रा भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम ये जो कुछ भी है कॉन्सेंट्रेटेड वाला ZnSO4 सोल्यूशन है 1 मोलर वाला, उसको हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसकी जगह पे हम ये 0.1 मोलर वाला जो सोल्यूशन है लो कॉन्सेंट्रेशन वाला वो हम लेंगे। तो इस बार हमारी जो जोड़ी बनी हुई है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट सोल्यूशन, वो दोनों लो कॉन्सेंट्रेशन की है, मतलब 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन और 0.1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन। और ये अब हम इसमें हमारा ये जिंक की प्लेट जो है वो डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये डाल दिया, वायर एक दूसरे के साथ चिपकने नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रीडिंग जो है आप देख सकते हैं फ्लक्चुएट हो रहा है, तो यहाँ पे हमें रीडिंग जो है वो मिल रहा है। फिर से हम जब रीडिंग को केयरफुली देखते हैं तो हमें ऐसा पता चला, क्योंकि हमारी रेंज कैसी आ रही थी रीडिंग की, 0.046, 0.032, 0.042, इस बार हम देख रहे हैं तो हमारा रीडिंग जो है वो कम हो गया है। इस बार भी हमारा रीडिंग जो है वो कम हो गया है और हम एक स्टेबल पॉइंट ले लेते हैं कि हमारा रीडिंग आ गया है 1.0
0.023। तो इस तरह से रीडिंग जो है वो आपके आंखों के सामने अभी क्लियर हो गया है। आपको सबको अच्छे से देखना है ये ऑब्जर्वेशन टेबल, क्योंकि ये आपको बनाना है ना। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट नंबर 8 है ये, जिसका नाम है डैनियल सेल। हमने टेम्परेचर का पहला ऑब्जर्वेशन लिया, 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फिर हमने अलग अलग सेटअप लगाए, हमने 1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन के साथ 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन का जब डैनियल सेल सेटअप किया तो हमारा रीडिंग जो है वो आया 0.046। फिर हमने 1 मोलर CuSO4 के साथ 0.1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन डाला तो हमारा रीडिंग आया 0.032। देन 0.1 मोलर CuSO4 के साथ जब हमने 1 मोलर ZnSO4 डाला तो हमारा रीडिंग आया 0.042। और सबसे आखिरी में हमने लो कॉन्सेंट्रेशन लिया दोनों का, 0.1 मोलर 0.1 मोलर, तो हमारा रीडिंग जो आया वो आया 1.023। तो इससे एक चीज़ हमें ऑब्जर्व हो रही है कि जैसे ही एनोड के बाजू वाला सोल्यूशन कौन सा है, ZnSO4 सोल्यूशन है ना, क्योंकि जिंक की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर होती है तो जिंक जो है वो एनोड बनता है, और एनोड के पास में कौन सा सोल्यूशन है, ZnSO4 सोल्यूशन। तो जैसे जैसे ZnSO4 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, हमारा वोल्टेज भी क्या हुआ, कम हुआ। फिर यहाँ पे ZnSO4 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो हमारा वोल्टेज फिर से क्या हो गया, बढ़ गया। फिर से ZnSO4 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो हमारा वोल्टेज क्या हो गया, कम हो गया। इसी के आधार पर हमें इस एक्सपेरिमेंट का क्या लिखना है, इसी के आधार पर हमें इस एक्सपेरिमेंट का लिखना है इंटरप्रिटेशन। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे रिजल्ट वाले पार्ट की तरफ। हमें रिजल्ट लिखना है, इसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन, और फाइनली हम कंक्लूजन लिखेंगे और हमारा ये एक्सपेरिमेंट जो है ये हम कंक्लूड करेंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन कैसे लिखना है। तो ऑब्जर्वेशन में सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे टेम्परेचर। तो आज का हमारा जो टेम्परेचर हमने एक्सपेरिमेंट किया है वो है 26 डिग्री सेल्सियस। देन आपको ऑब्जर्वेशन टेबल इस तरह से लिखना है, पहले कॉलम में रहेगा कॉन्सेंट्रेशन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, दूसरे कॉलम में रहेगा कॉन्सेंट्रेशन जिंक सल्फेट सोल्यूशन, और यहाँ पे हमारा जो भी रीडिंग आया है वो हम लिखेंगे। तो 1.1 मोलर CuSO4 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन के लिए रीडिंग आया है 1.046 वोल्ट। 0.1 मोलर CuSO4 एंड 1 मोलर जिंक सल्फेट सोल्यूशन के लिए रीडिंग आया है 1.032 वोल्ट। 1 मोलर CuSO4 एंड 0.1 मोलर ZnSO4 के लिए रीडिंग आया है 1.042 वोल्ट। एंड 0.1 मोलर ऑफ CuSO4 एंड 0.1 मोलर ऑफ ZnSO4 के लिए हमारा रीडिंग आया है 1.023 वोल्ट। तो जब आप ये रीडिंग देखेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि जैसे जैसे जिंक सल्फेट सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होता है, वैसे वैसे ये जो कुछ भी हमारा रीडिंग जो है वो कम हो रहा है, ठीक है। देन अब हम देखेंगे कि हमें रिज़ल्ट जो है वो किस तरह से लिखना है। तो रिज़ल्ट में हम जिस तरह से हमने सेट सेल सेट की है उस तरह से हम लिखेंगे। हमने जिंक का रॉड डीप किया था सबसे पहले 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन में, जिसे हमने कांटेक्ट में रखा था 1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन, जिसमें हमने डाला था कॉपर का रॉड, और हमारा जो रीडिंग आया था वो था 1.049 वोल्ट। देन दूसरी बार जब हमने सेल सेट की थी तो 1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन और 0.1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन लिया था और हमारा रीडिंग आया था 1.032 वोल्ट। वैसे ही हम थर्ड और फोर्थ सेल के लिए भी लिख लेंगे। यहाँ पे हमने 0.1 मोलर ZnSO4 सोल्यूशन एंड 1 मोलर CuSO4 सोल्यूशन लिया था, रीडिंग आया था हमारा 1.042 वोल्ट। और लास्ट इसमें हमने दोनों सोल्यूशन 0.1 मोलर के लिए थे, 0.1 मोलर ZnSO4 0.1 मोलर CuSO4, तो हमारा सबसे कम रीडिंग आया था 1.023 वोल्ट, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे जिंक सल्फेट सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, ठीक है, वैसे वैसे ये जो कुछ भी वोल्टेज है उसका रेट भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसी के आधार पर हमको इसका लिखना है इंटरप्रिटेशन। द वोल्टेज डेवलप ड्यू टू डैनियल सेल डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन अराउंड द एनोड। तो एनोड के अराउंड हमने कौन सा सोल्यूशन लिया है, ZnSO4 सोल्यूशन। जैसे ही ZnSO4 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ, हमारा रीडिंग भी कम हुआ था, और जैसे ही कैथोड के अराउंड मतलब CuSO4 सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, हमारा रीडिंग जो है वो इंक्रीज हुआ था। देन कंक्लूजन हमें लिखना है कि मैक्सिमम वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड एट 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ZnSO4 एंड CuSO4 सोल्यूशन। जब हम रिजल्ट में देखते हैं, देखिए फिर से आप देखिए, जब हमने रिजल्ट में देखा है तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज कब डेवलप हुआ है, 1.049 वोल्ट कब डेवलप हुआ है, जब हमने ZnSO4 सोल्यूशन भी लिया 1 मोलर और CuSO4 सोल्यूशन भी हमने कितना लिया, 1 मोलर। तो ये हो जाएगा हमारा कंक्लूजन। उसके बाद
हमें सबसे आखिर में देखेंगे हम समरी की इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या समझा। तो अब हमें समझ में आ गई है प्रोसीजर कि वोल्टेज केमिकल रिएक्शन की वजह से कैसे डेवलप होता है डैनियल सेल में, देन ऑब्जर्वेशन टेबल किस तरह से लिखना है और रिजल्ट इंटरप्रिटेशन और कंक्लूजन किस तरह से लिखना है वो भी हमने समझा। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है इससे आपको डैनियल सेल के बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिला है और साथ में ही आपके बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुए हैं एक्सपेरिमेंटली। और इसके बाद हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं वो एक्सपेरिमेंट है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। इट इज़ वंस अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।